लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, K24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में सीधा कलाली चिना टीडीहाट विधानसभा से किशन भंडारी जी जुड़ गए हैं। भंडारी जी, K24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। भंडारी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे कि कल पुष्कर सिंह धामी पार्ट टू, यानी कि पुष्कर सिंह धामी का दोबारा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण हो चुका है, एक मंत्रिमंडल बैठ चुका है। आज अहम सवाल आपसे ये होता है मेरा कि आपके विधानसभा क्षेत्र से श्री बिशन सिंह चुफाल जी को इस बार कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है, इसके बारे में सर मैं आपसे विशेष टिप्पणी जानना चाहूंगा। नहीं, कैबिनेट से छुट्टी अब एक उम्र के पड़ाव में छुट्टी हो ही जाती है, और वैसे भी पुष्कर माननीय पुष्कर धामी जी इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है, इसलिए बिशन सिंह चुफाल जी को राज्यसभा मेरे ख्याल से पार्टी भेज रही है, ऐसा न्यूज चैनलों से पता चल रहा है, इसलिए छुट्टी नहीं उनको अब ऊपर थोड़ा सा देहरादून से दिल्ली भेजा जा रहा है, पार्टी ने ऐसा तय किया है, ऐसा न्यूज चैनलों से आभास हो रहा है। जी भंडारी जी, मैं आपको यह बता दूं कि कल ये भी सुनने को मिला है कि कहीं ना कहीं चुफाल जी पुष्कर सिंह धामी जी से खफा भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने डीडीहाट विधानसभा से पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए मना कर दिया है। ऐसा है भाई साहब, कोई निर्दलीय तो वो लड़े नहीं है, वो तो लड़े हैं पार्टी बीजेपी के नाम पर। अब बीजेपी का पार्टी का जो आदेश फरमान आ जाएगा ना, वो सबको हाथ जोड़ करके और पैर छू करके मानना पड़ेगा, बीजेपी है और पार्टी का जो आदेश है वो निर्दलीय थोड़ी है कि कोई जो वो कह देंगे कि मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं छोड़ूंगा। ये तो जब पार्टी का आदेश आएगा तो छोड़ना ही पड़ता है। पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो चुनाव लड़े, जब उनको पुष्कर धामी की जरूरत थी तो वो कनाली छीना और इस पूरे क्षेत्र में उनको लाए और कम से कम 4,000 वोटों का फायदा पुष्कर धामी जी से उन्होंने लिया अपने जीतने के लिए। अब पुष्कर धामी जी का विरोध क्यों? अब पुष्कर धामी जी का तो विरोध होना ही नहीं चाहिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए पुष्कर धामी डीडीहाट विधानसभा के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि बिशन सिंह चुफाल जी अपनी सीट उनके लिए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? नहीं, बिशन सिंह चुफाल जी तो छोड़ ही रहे होंगे, कुछ ठेकेदार नहीं छोड़ने देना चाह रहे ना कि वो ठेकेदारी कैसे चलेगी। अब हम कह रहे हैं कि भाई दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में मेट्रो सिटी में बड़े बड़े ठेके, रेलवे के और बड़े हवाई पट्टी के, ताजमहल, लाल किला, इनके बड़े बड़े ठेके लो। अब यहाँ गाढ़ गधेरे में कहाँ ठेके के चक्कर में पड़े हो, अब ये गाढ़ गधेरे पूरे इनने घेर रखे हैं, ठेकेदारों को ज्यादा दिक्कत है, उनको तो कम है, वो तो आज कोई कराए मान भी गए हैं अब, लेकिन वो नाराजगी ठेकेदारों ने व्यक्त करवाई होगी जहां तक मेरा सवाल है। और पार्टी का आदेश, भाई साहब मैं भी क्योंकि 20-22 साल 96 से मैं भी राजनीति में रहा और 14-15 में 16 में 17 में छूटा हूँ भाजपा से, तो मुझे मालूम है जब पार्टी का आदेश आता है ना तो ये हाथ जोड़ करके और फिर पैर छू करके प्रणाम करके आदेश का पालन करना पड़ता है। ये भंडारी जी, आपके लिए क्या समीकरण बनेगा, क्योंकि आपके चेहरे में एक मुस्कुराहट देख रहा हूं मैं। ना ना, मेरे लिए कोई समीकरण नहीं, मैं तो क्षेत्र के विकास के लिए, मैंने पुष्कर धामी जी को जब मैं चुनाव लड़ा था उससे पहले भी कहा कि आप डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ो, हम सब विकास कार्यों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप एज ए मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो इस क्षेत्र का बहुत चहुंमुखी विकास होगा, यहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, संचार व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कोई कुछ नहीं है, और आपका कोई फैक्ट्रियां नहीं है, जो यहाँ पर लीसा पैदा हो रहा है, खड़िया पैदा हो रहा है, आपका मैग्नेसाइड है, तमाम जड़ी बूटी यहाँ पैदा हो रही है, उसके लिए उनका आना जरूरी है ताकि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के युवाओं को सरकारी भी और स्थानीय स्तर पर भी रोजगार उनके आने से मिलेगा। जी, पिछले 4 साल से आप भी जनता को समझा रहे थे
कि हम आएंगे, रोजगार लाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो जनता ने तो आपको नकार दिया। फिर आप इस बार जो धामी जी आएंगे तो समीकरण क्या बनेगा आपके लिए? हमको नकार नहीं दिया, हम भी कोई ऐसा तो है नहीं कि जमानत नहीं बचा पाए, हम भी उनके बिल्कुल नजदीक हैं और 2-3 हजार वोटों का अंतर रहा है, 1500-1600 वोट अगर ले आते। अब हमारा तो, हमने तो पूरा जनता से कहा था, वादा किया था, गरीबों की सेवा भी करी, आगे भी करेंगे, वादा किया था। अब जनता नहीं समझ पाई, एक रात का खेल कुछ अलग हो गया इधर, अब उसका खुलासा करने में लोग नाराज हो रहे हैं। वो भाजपा के लोग कह रहे कि अब ये कह रहे कि जनता ऐसी हो गई है, लेकिन खेल सब जान रहे हैं कि यहाँ हुआ क्या और कैसे जीते और कैसे क्या क्या हुआ, वो सबको मालूम है। इसलिए मैं दूसरे नंबर पर रहा, नहीं तो मैं भी जानना हूँ। जनता तो चाह रही है बदलाव, चाह रही है परिवर्तन। में आपके देखिए कुल 54-55 हजार वोट यहाँ पर पड़े हैं और उसमें 20 हजार वोट उनको पड़े हैं। जी मैं आपको यहाँ पर इजाफा कर दूं, हम भी रोज लाइव आते हैं तो डीडी हार्ट की जनता हमसे जुड़ती है, तो डीडी हार्ट की जनता खुश नहीं है इस वक्त, उनको एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है डीडी हार्ट की जनता को। अब सशक्त नेतृत्व तो पुष्कर धामी जी से बेहतर कोई होगा नहीं जी, उनसे बेहतर नेतृत्व तो ना अभी मिलना ना कभी भविष्य में मिलना, उनसे सशक्त नेतृत्व तो कोई नहीं मिलेगा। और इस विधानसभा के वो रहने वाले भी हैं, यहाँ के दुख दर्द को, यहाँ की सारी विकास कार्यों से भली भांति परिचित हैं। यहाँ 25 साल चौपाल जी ने बिताए, तो आप भी देखें कि इस विधानसभा में हुआ क्या है। यहाँ अगर किसी के पैर में एक 2 इंच का टांका भी अगर लगाना है तो उसके लिए भी पिथौरागढ़ रेफर होना है। तो अगर ये पिथौरागढ़ में अगर किसी को टाइफाइड ज्यादा हो गया, कुछ हो गया, तो उसने फिर हल्द्वानी रेफर होना है। तो ये तो रेफर सेंटर है ना, क्योंकि यहाँ तो सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ, मैं बता रहा था बीच में, एक धर्म सत्तु साहब हैं, डॉक्टर बोरा साहब हैं, और भी कई डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन संस्था जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, जो उनको साधन चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे ना वो। 25 साल से जब कोई नेता नहीं करा पाया, अगर पुष्कर धामी जी आते हैं तो हमारे जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम सारे लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आएंगे। जैसे धारचूला को ओबीसी क्षेत्र हरीश रावत जी ने घोषित किया, ऐसे ओबीसी क्षेत्र हमारा ये डीढ़ांट विधानसभा घोषित होगा, ऐसी हम सब लोगों की डीढ़ांट विधानसभा वालों की उम्मीद है। जी डीढ़ांट विधानसभा भी एक सीमांत विधानसभा है, सीमांत क्षेत्र है, और ऐसे में पुष्कर धामी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो किशन भंडारी जी का क्या रोल रहेगा इसमें? किशन भंडारी और पूरी टीम जी, 17,500 वोट दो, और अभी बड़ा बोल देते 20,000 में पहुंच गया हूं मैं भी, तो 20,000 वोट के साथ साथ पुष्कर धामी जी कम से कम यहां से 30,000 वोटों से जीतेंगे। ये रिकॉर्ड होगा इस उत्तराखंड में, छोटी सी विधानसभा में वो 30,000 से 35,000 वोट के बीच से जीतेंगे। तो ये आप पूरी डीडीहाट की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि किशन भंडारी की पूरी टीम पुष्कर सिंह धामी के साथ है? हाँ हाँ, पूरी टीम किशन भंडारी की पुष्कर धामी जी के साथ है। कांग्रेस के लोग भी मेरे को फोन करके, छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके, वो भी चाहते हैं कि भाई एक बार इस डीडीहाट विधानसभा में कोई अच्छा नेतृत्व मिले और वो अच्छा विकास कार्य यहाँ हो। पूरे विकास कार्य में डीडीहाट विधानसभा की जनता भी चाह रही है और पूरा प्रदेश और पूरा कुमाऊं गढ़वाल सब पुष्कर धामी जी को चाह रहे हैं। तो ये डीडीहाट विधानसभा की जनता क्यों नहीं चाहेगी, जबकि यहाँ पर मांग है पुष्कर धामी जी को लड़ाने की, सब चाह रहे हैं। लेकिन कुछ छोटे मोटे ठेकेदार परेशान है कि भी काम उच्च गुणवत्ता का होगा। जब मुख्यमंत्री का घर क्षेत्र होता तो आप समझ ही रहे हैं, सारे अधिकारी भी लगन से काम करते हैं, कोई घबलेबाजी भी नहीं होती। तो वो थोड़ा ठेकेदार को चिंता है, बाकी तो पूरी जनता चाह रही है कि एक बार पुष्कर धामी यहाँ से आए। क्या भंडारी जी ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुष्कर जी मन बना दे यहाँ से धामी जी लड़ने के लिए तो निर्विरोध भी तो चुने जा सकते, ऐसे भी समीकरण बन रहे हैं क्या? संभावना तो दिख रही है, क्योंकि प्रदीप पाल जी पे मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा पैसा खर्च करने के मूड में होंगे इस वक्त, हार तो उनकी निश्चित है। अब वो तो भाई साहब चले गए हैं, हल्द्वानी चले गए हैं, अब
सब चाहते ही हैं एक बार धामी जी आ जाए, तो हो सकता है ये भी कोई इसमें भी कोई वो नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है और जनता ने बनाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मौका देना चाहिए। हरीश रावत जी आए तो लड़ा दिए लोगों ने, लेकिन उनको भी जनता ने बहुत स्वागत किया धारचूला में जी, हरी बहुमत वोटों से जीते और ओबीसी क्षेत्र घोषित हुआ, बहुत सारे विकास कार्य वहां हुए और अभी तक उन विकास कार्यों का लाभ जनता को मिल रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अगर हमारे क्षेत्र में आते हैं, इस पूरे जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद को यहाँ दूर संचार में नेपाल के भरोसे हैं, इलाज में हल्द्वानी के और दिल्ली के भरोसे हैं, शिक्षा में दिल्ली और देहरादून और हल्द्वानी के भरोसे हैं, तो यहाँ हम यहाँ तो राम भरोसे है ना सब सब। अगर कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो गरीब तो मर ही जाता है, उसके बाद इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने वाला है, वो बहुत तेज गति से होगा और स्वास्थ्य की सुविधा होगी, उच्च शिक्षा का यहाँ पर काम होगा, संचार में बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो इसलिए धामी जी को लाना माने की बहुत बड़ा काम होगा। अगर धामी जी यहाँ आते तो जनता के लिए एक वरदानी मानो कि वो वरदानी साबित होगा जी। आज आज भंडारी जी के 24 न्यूज के मंच से आप बोल दीजिएगा, फिर अगर भंडारी जी के 24 के माध्यम से बोलिएगा, अगर पुष्कर सिंह धामी वहां आते हैं तो आप क्या बीजेपी में फिर से जाने के संभावना बन रहे हैं आपके? ना ना, बीजेपी में तो जाना ना जाना ये तो पार्टी ने डिसीजन करना ना, मैंने जाने ना आने से थोड़ी बनेगा, क्योंकि मैं 6 वर्ष के लिए 2017 में 16 जनवरी में निष्कासित हुआ 6 वर्ष के लिए जी। और उसके बाद बीच में कई बार आया कि भाई ज्वाइन करो ज्वाइन करो, कभी विधायक जी चूफाल जी धरने में बैठ गए, नहीं भैया कैसे ज्वाइन हो गए, 6 साल का कार्यकाल है। तो इसलिए ये तो निर्णय पार्टी ने लेना है, मैंने नहीं लेना। मैं तो देखो भाजपा का मैं पहले से कहता हूँ पुराना सिपाही, और मेरे साथ ज्यादातर लोग भी भाजपा के पुराने सिपाही हैं सब जी। हम तो पुराने सिपाही भाजपा के, तो गए नहीं। धामी जी से आपके संबंध भी तो अच्छे संबंध है आपके धामी जी से? नहीं, धामी जी तो इसी इसी विधानसभा के रहने वाले, हर आदमी के अच्छे संबंध है, मेरे क्या है, सबके अच्छे संबंध है, हड़खोला के रहने वाले हैं, सबको व्यक्तिगत जानते हैं, सबके अच्छे संबंध हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर वो यहाँ से जीत यहाँ से लड़ते हैं तो सारी पावर चुफाल जी को दे दो, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, हम तो जनता का गरीबों का काम करना है, गरीबों को उत्थान के लिए काम करना है, पावर सारी चुफाल जी को ही दे दो, हमें कोई पावर की जरूरत है नहीं। चुफाल का दिल्ली का अधिकार भी उन्हीं को, राज्यसभा का अधिकार भी दिल्ली का उन्हीं को और यहाँ का भी उन्हीं को। सर आपने अभी कहा चुफाल जी दिल्ली चले जाएंगे और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, तो फिर चुफाल जी को मौका कहाँ दे रहे हैं आप? नहीं नहीं, मौका क्यों नहीं दे रहा हूं? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली भी आप ही की और उत्तराखंड भी आप ही की, और यहाँ मुख्यमंत्री लड़ेंगे वो तो देहरादून बैठ करके और भी काम निपटाएंगे, तो सारा अधिकार क्षेत्र चुफाल जी को दे दो, तब भी बिशन सिंह चुफाल जी सीट को छोड़ दें और धामी जी आ जाए, सारा अधिकार उन्हीं को दे दो, हम तो ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ ना, सारा अधिकार उनको दे दो, मुझे तो कुछ अधिकार चाहिए नहीं। मैं तो आज तक देखो 10 साल से मैं 2014 से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, चूफाल जी ने 2014 में ही मेरा पत्ता काट दिया, तो इसलिए मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, मैंने फिर संघर्ष करना है, मैं ज्यादा अधिकार अधिकार के चक्कर में भी नहीं पड़ता कि अधिकार मुझे मिलना चाहिए, उन्हीं को दे दो सब अधिकार, उन्हीं को दे दो, लेकिन गांधी जी को यहां से लड़ा। तो शिक्षा स्वास्थ्य ये सब व्यवस्थाएं देखी जा सकती है धामी जी के वहां से चुनाव लड़ने में? आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में शिक्षा विकास और बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलने के और रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, ये आपका मानना भी है? जी ये मानना है, क्योंकि शिक्षा दूर संचार स्वास्थ्य जो बहुत बुरी स्थिति में है यहाँ, उसमें बहुत सुधार होने की गुंजाइश है और तेज गति से होगा, जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री होते हैं वहां अपने आप ही तेज गति से विकास कार्य होता है, किसी को ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अगर नहीं होंगे तो फिर हम लोग हैं ही, हम लोग बोलेंगे भाई क्यों नहीं हो रहे काम, वो भी तो बोलेंगे हम लोग, उसके लिए भी तो हम लोग हैं, हम तो इसके लिए थोड़ी हैं कि हम खाली ये कहेंगे लड़ा दो और बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ विकास कार्य के लिए भी हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम विकास कार्य के लिए चुप रहेंगे,
विकास कार्यों के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री होते हैं और उनको इस विधानसभा का एक एक गाढ़ गधेरे का पता है, क्योंकि वो यहाँ सब जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ की सब उसको जानते हैं क्या क्या इस यहाँ किस किस चीज की आवश्यकता है, क्या यहाँ करना है, उनको सब पता है। सर 21वीं सदी में हम लोग नेटवर्क से जूझ रहे हैं। अभी आपसे भी जुड़ने के लिए मुझे कई मशक्कत करनी पड़ी है, नेटवर्क की समस्या बहुत खराब है वहां की। तो धामी जी आएंगे तो क्या ये सब चीजें दुरुस्त करवा पाएंगे आप धामी जी को कह के? धामी जी को जब यहाँ आएंगे ना, और केंद्र सरकार में उनकी इतनी अच्छी वो है, एक अभी देखो उनके शपथ ग्रहण में सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और कई नेता, कई वो आए थे। इससे आप नहीं जानते कि उनकी कितनी गहरी पेंट भारत सरकार में होगी, और कौन सा काम ऐसा छूता रह जाएगा जो चाहेंगे और नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता। और आप कह रहे हैं मैं लोगों से बोलता हूँ, लाइव आऊंगा और लाइव आऊंगा, मैं जब बोलता हूँ मैं 6 बजे का टाइम देता हूँ, तो 6:30-7 तक तो मैं वो नेटवर्क ही ढूंढता रहता हूँ, कभी इधर ले जाके, कभी उधर ले जाके, कभी यहाँ जाके। तो बच्चों का पढ़ाई का क्या हाल होगा? चलो हम तो लाइव नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं लाइव आ रहा था, मैं साथ में लाइव में आ पाया। बहुत अहम मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा है यहाँ, क्योंकि जैसे कोरोना काल में, जी कोरोना काल में जैसे पूरी शिक्षा अब नेटवर्क के थ्रू होने लग गई है, मोबाइल से ही पूरी पढ़ाइयां होती है बच्चों की, चाहे होमवर्क की बात करें, चाहे बच्चों के एग्जाम की बात करें, चाहे कुछ भी चीज देखना होता आजकल लोग मोबाइल में ही देखते हैं। ऐसे में नेटवर्क ना होना डीडी हाट के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है शुरू से ही। पूरा दुर्भाग्यपूर्ण, डीडी हाट के बॉर्डर में तो पूरा मतलब झूला घाट से लेकर के जोलजीबी तक तो हाल खराब है। और जो इधर जब मैं कनाली छीना जैसे सेंटर में रह रहा हूं, यहाँ की दशा खराब है। अब आप बताइए क्या होगा इस विधानसभा का? अब आप बताओ, फिर भी आप कह रहे हो कि भाई मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, फिर भी आप कह रहे हो मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। राज्यसभा जाओ, आपने इतनी घोषणाएं कर दी है पेयजल की, लिफ्ट की, उनकी केंद्र सरकार से पैसा भी लाओगे और राज्य में भी आपकी आपको पावर रहेगी, भले आप थोड़ा रिशा गए हैं अब, लेकिन मान जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं मानने वाले हैं, अब मानना ही पड़ेगा, पार्टी है भाई साहब, पार्टी का तो आदेश मानना पड़ता है, ये तो फौज का शासन है यहाँ, अगर आदेश आ गया तो फिर मानना ही मानना है। कहा जाता है कि मोदी जी के जो डिसीजन होते हैं वो तो आखिरी डिसीजन होते हैं कहा जाता है, तो ये डिसीजन भी क्या मोदी जी लेंगे या ये देहरादून से होगा? नहीं, देहरादूनी से हो जाएगा, इतना लंबा छोटा डिसीजन कहाँ मोदी जी लेंगे, देहरादूनी से एक आ जाएगा फैक्स तो सब दौड़ लगा लेंगे घर को, ये तो भाजपा है ना, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह। तो धामी जी के आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं फिर आप? नहीं, मैं क्या तैयारी कर चुका, पूरे क्षेत्र की जनता तैयार कर चुकी है, बेसब्री से इंतजार कर रही है पूरी क्षेत्र की जनता, मैं भी शामिल हूँ। 17,000 वोट तो आपके झोली में है, वो भी तो आप दे रहे हो, आप धामी जी के झोली में डाल रहे हो 17,000 वोट? हाँ, 17,000 अपने पक्के भाई साहब, किसी पार्टी के नहीं, कुछ नहीं, हम सब एक टीम किशन मंडारी, उसके वोट है, वो तो है ही है, 20 में पहुंच गए हैं हम तो 20 में थे, वो एक रात पहले 2-2.5 में गड़बड़ हो गया ना मामला, 2,500 वोट कम हो गए एक रात में, हम तो 20 ही में है, फिर 20 में आ गए हैं। और हम तो चाह रहे थे, हमने तो चुनाव से पहले भी कहा कि धामी जी आप यहाँ से लड़िए, हम सीट छोड़ने को तैयार हैं और आपके साथ खुलकर प्रचार करने को तैयार है, फिर तैयार हैं हम क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के हित के लिए। मैं भी अगर चुनाव लड़ रहा था क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के हित के लड़ रहा था, मुख्यमंत्री से ज्यादा विकास कार्य कौन करा पाएगा, विधायक थोड़ी इतना काम करा पाएंगे जितना एज ए मुख्यमंत्री करेंगे। चूफाल जी तो मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सारे पदों में रहे, तो वो तो कुछ अब मुझे लगता नहीं क्या, वो तो जनता बताएगी डीडीहाट में क्या विकास कार्य हुए, मेरे हिसाब से तो ठप है कहानी, कोई स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, रोड नहीं, रास्ते नहीं, रोड है तो उनमें गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, अभी उन्होंने कहा था कि विधायक निधि से 350 सड़क काट दी, 5 में गाड़ी नहीं चलती है, तो ये तो विकास है हमारे यहाँ का, लेकिन फिर भी अगर कोई जीता है तो जो जीता वो सिकंदर। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, चुफाल जी तो कहते हैं कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया विधानसभा में,
नहीं कहाँ है फिर वो जाल, आप बताओ ना, जाल तो बताइए है कहाँ। सड़कें विधायी नीति से काट के वो सड़कें चलती नहीं है ना, जो जाल बिछाया है जिनमें डामर हो रहा है, तो 1 महीने में डामर घुल जा रहा है। आज क्यों कह रहे हैं कि मतलब वो हम इधर से नहीं सीट छोड़ूंगा, ठेकेदार कह रहे हैं, वो तो कम कह रहे होंगे, ठेकेदार कल कहलवा रहे हैं कि भैया नहीं ये तो आने से, तो फिर डामर भी अगर करना है तो 3 साल टिकना है ना उस डामर ने, क्योंकि फिर तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो जाएगा। कोई अधिकारी रिस्क लेने की कंडीशन में होगा नहीं, कोई अधिकारी गलत काम करेगा नहीं, कोई अधिकारी गलत नापेगा नहीं, ये तो सारी व्यवस्था स्वतः ही ठीक हो जाएगी और अपने आप सड़कें भी जी ठीक बनेंगी, डामर भी अच्छा होगा, सड़कों की चौड़ाई भी पूरी होगी और बिल्कुल अलाइनमेंट पे कटी होंगी। हमारे यहाँ की सड़कों का मैं कई, आप अगर आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, एक बोरा बुंगा वाली रोड में सड़क है जिस सड़क को ठेकेदार ने काटी, उसी ठेकेदार का माल लादने के लिए एक बार आधा अनलोड करते हैं, फिर आधा उतार के फिर उस चढ़ाई में चढ़ाते हैं, फिर आधा दोबारा भर के ले जाते हैं। वही ठेकेदार है, उन्हीं सर, का मेरा माल जाता सारा है, वही देखा आधा हुआ उतार आते हैं। एरिया, मेरा सारा देखा हुआ एरिया है। हड़खोला जो धामी जी का पैतृक गांव है, आजादी के 75 साल के बाद जब धामी मुख्यमंत्री बनते हैं तब वहां सड़क जाती है, धामी जी के जाने आने के बाद वहां पर हेलीपैड भी बन जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है ना, एक मुख्यमंत्री का जो गांव है वो भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उस गांव की दशा सुधरती है। तो आप खुद ही बताओ, हड़खोला के लिए कम से कम 10 साल से तो मैं लगा था, 10 साल से धामी जी जी को भी फोन करता था कि भाई साहब आप भी चीफ हिप को बोल दीजिए, लेकिन वो कहते थे विधायक जी की संस्तुति चाहिए। अब विधायक जी की संस्तुति कभी यहाँ हाँ में मिल जाती थी, वहां ना में मिल जाती थी। तो वो सड़क, ऐसे कई सड़कें हैं, अभी बारमो, एक उनका एक गांव और है 20 बारमो, वहां तक सड़क नहीं है। आप बताओ मुख्य, वो विधायक इससे पहले भी तो 2 बार विधायक थे, वहां भी सड़क नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक के हाथ में सारा कुछ होता है। और उसके बाद आज बांकू गांव है बिशन सिंह चुफाल जी का, उसमें पैतृक गांव, तीन तीन कहां, बांकू दूनाकोट के पास है बांकू, 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर सड़क है वो, 2,500 गड्ढे में उसमें 2,500। और मैंने कहा था अगर इसमें 2,500 गड्ढे नहीं होंगे तो गिन लो पत्रकारों से, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2,500 गड्ढे, उस रोड की दशा कैसी है और कौन ठेकेदार बना रहे हैं। पिथौरागढ़ से जो डीडीहाट से दूनाकोट रोड जाती है उसकी दशा देख लीजिए कैसी है, वहां कितना मतलब अवैध खनन हो रहा है, वो पूरे पत्थर निकाल के रोड बंद रहती है पूरे बरसात भर में, कोई देखने वाला जी नहीं। मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे तो स्वतः रोड खुलेगी, डामर भी बढ़िया होगा, काम भी बढ़िया होंगे, जहां रोड नहीं तो बनी वहां भी उत्तर तेज था, गति से उत्तर रोड थे बनेगी। धामी जी, धामी जी के आने से ये 2,500 गड्ढे भर जाएंगे। तुरंत तुरंत तो आप बांकू भी की विपक्ष रोड सबसे के, पहले ठीक करनी है, बांकू की नहीं आप भी जो विपक्ष के टिंडा। भूमिका में थे, आप भी विपक्ष के भूमिका में थे, क्या आपने विधायक जी से गड्ढे क्यों नहीं भरवाए फिर? आप भी तो विपक्ष में मैंने जिम्मेदारी तो थी। 1 बार नहीं, 10 बार पीटीओ को लिख के दिया और 10 बार कहा कि भैया मैंने लाइव में आकर के 10 बार बताया कि विधायक जी क्यों सोए हैं, अपने गांव की सड़क क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा यहां से वोट कम पड़ते हैं मुझे, अब क्या मैं क्या जवाब दूं फिर इसका, अब और वोट भी कम इसके पड़ते बाद हैं, भी सही वो बात छह ही बार जीत के आए हैं, छह बार है, जीत के आए इसके बावजूद। 6 बार जीत के आए ना, ये भी तो बाजीगरी है, कोई आदमी 6 बार जीतना इतना कोई मामूली काम नहीं, यहां तो 2 बार हार गए, बहुत 6 बार जीतना इतना बड़ी आसान उपलब्धि, काम है क्या, जी जी बहुत बड़ी और उपलब्धि है, 6 बार जीतना। जी बिना काम किए 6 बार जीतना कितनी बड़ी बात है, आप ये बताइए, ये कौन सी घुट्टी जनता को पिला दे रहे हैं कि 6 बार बिना किए, और पूरे 5 साल लोग कह रहे हैं हटाना है परिवर्तन करना है, लेकिन परिवर्तन में 34-35 हजार वोट पड़ता है और चूफा जी को 20 हजार वोट पड़ता है, त्रिकोणीय संघर्ष है ना थोड़ा, और अकेले कांग्रेस लड़ेगी तो 7 हजार में रोक देंगे, दिक्कत तो ये भी है ना। तो आप लोगों को भी टफ फाइट करनी पड़ी थी चुफाल जी से, बहुत 2 बार आपको टफ फाइट करना पड़ा आपको। नहीं, मैं तो बिल्कुल निकट तक हूं ना, मैं तो बिल्कुल करीब हूं, 2 बार पीछे रह गया लेकिन करीब मैं हूं, बिल्कुल दूर नहीं हूं। इसके बावजूद भी जनता ने बहुत प्यार दिया आपको, डीडीहाट की जनता ने। हाँ, बहुत प्यार दिया जन डीडीहाट की जनता, 17,500 वोट निर्दलीय प्रत्याशी को पड़ना और
और जो 50-54 हजार में से 17.5 मुझे पड़ना, 20 हजार में जूफाल जी का लड़ना, पिछली बार मुझे 15 हजार पड़े, उनको 17 हजार पड़े, तो कहाँ अंतर है? मैं तो 17.5 में पहुंच गया, लेकिन वो घटने नहीं पा और थोड़ा बढ़ गए, तो नहीं, धक्का लगा गया इस बार दूर का। चाहे चौपाल जी इस बार जीत गए हूं, चाहे जीत गए हो इस बार, लेकिन मैं किसी से भी पूछता हूं तो सभी किशन भंडारी एक बोलते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, वो तो किशन भंडारी को देने के मूड में ही लोग थे ना, रात में धक्का जी जोर का मार दिया ना इन्होंने, कोई गड़बड़ है? वो रात का धक्का जो इन्होंने जोर का मारा, झटका जोर का ना, वो झटका हमारे जी कार्यकर्ता नहीं लोड ले पाए, और नहीं जनता थोड़ा वो देखिए, झटके में आ गई। नहीं, ये जनता की भी तो गलती है ना सर, ये जनता भी क्या तो करें, गलत कर जनता रही है की ना। गलती, अब जनता की गलती है या हमारी गलती है, हमने भी झटके के लिए तैयार रहना चाहिए था। अगर भूकंप आ रहा है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए ना, लेकिन हमें पता नहीं था इतने 8-10 रिएक्टर पर भूकंप आ जाएगा। हमने सोचा 5-6 तक आएगा, 5-6 तक हम झटका झेल लेते, अब वो पहुंच गया 10 के स्केल जी पर, 10 रिएक्टर पर पहुंच गया, तो वो झटका झेलना थोड़ा कठिन हुआ। नहीं तो 5-6 तो 7 तक तो निपट लेते हम, 10 का जो मारा ना इन्होंने झटका जोर का, तो तो आप वो थोड़ा भारी पड़ गया मान ली। सोए हुए अब थोड़ा सा हम कहीं थे, गए, मतलब इनके आप पास लोग की पच्चीस लेट, था जी। आप लोगों की आंख लेट खुली थी मुझे लगता है। ठीक, आंख तो खुली थी, लेकिन वो 25 साल का माल भी तो है, वो उतना तगड़ा भूकंप 25 साल का झटका आएगा, वो तो फिर कहाँ 5 साल। अब निर्दलीय को तो थोड़ा भूकंप अगर जोर का आएगा तो झटका देगा ही ना, मकान तो हिला ही देगा। जी अब इसने, मैंने सोचा थोड़ा मकान हिलाएगा लेकिन मकान बच जाएगा, लेकिन मकान इतना जोर का भूकंप लाए इस बार की धराशायी हो गया, गया, थोड़ा धराशायी मतलब हो गया इतना जोर का, लेकिन जनता अब का कुछ, जनता का कल्याण हो गया, जो इन्होंने माल दबा के रखा था ना, मरम्मत वो थोड़ा जनता का कल्याण हो गया। करने के लिए धामी जी आएंगे, फिर आपको लगता है मरम्मत के लिए धामी जी आएंगे, तो आओ आप मरम्मत पूरे करने के पूरे लिए। पूरी तरह विश्वास है कि धामी जी आके मरम्मत करेंगे। हाँ, पूरा विकास के रूप में पूरे विधानसभा की मरम्मत होगी। ये तो ये 25 साल 30 साल से ऐसी पिछड़ी विधानसभा है कि मुझे समझ में, मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में सबसे पिछड़ी विधानसभा है। जब मुख्यमंत्री के गांव में रोड नहीं बनी और जी बन भी रही थी तो उसमें कितने अड़ंगे आए, सबको पता है, उस गांव के लोगों को पता है, और उसके बाद धामी जी को ला करके कितना बड़ा इमोशनल कार्ड खेला गया होगा। लगाइए आप किशन भंडारी के, जी तो एक तो पहली रात वाला भूकंप का झटका, फिर धामी जी का भूकंप का झटका, दो दो झटके, तीन तीन झटके लगातार झेलने पड़े ना। फिर उधर स्मृति जी ईरानी भी दी गई एक हल्का सा झटका, कुछ 5-4 स्केल जी का, तो ये सारे झटके तो हम ही ने तो झेले, कांग्रेस तो हो गई, हम ही ने तो जी झटके झेले, और किसने झेले झटके? नहीं तो भंडारी जी, अगर देखिए, अगर डीडी हार्ट की बात हो, हम जिला के लेकर, जिला को लेकर बात न करें तो जरा सा नाइंसाफी होगी। अब हम थोड़ा सा सेगमेंट जिले के लिए लाते हैं। जिला की मांग पुरजोर से उठी थी, लोग आमरण अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन भंडारी जी उसमें दिखे नहीं, ऐसा क्यों, क्या हुआ था? ना, वो जिले में जो बैठे थे वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे थे, वो जिले के लिए थोड़ी जी बैठे थे, वो तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे थे। उनका उद्देश्य ये थोड़ी था जिला बनाना, उनका उद्देश्य तो ये था कि कांग्रेस को कैसे फायदा हो। अब कांग्रेस को उन्होंने फायदा भी पहुंचाया उन बूथों पर, लेकिन उससे आगे तो कहानी ठप रही। जिले के लिए वाकई में अगर आंदोलन होता तो उसका पहले परिसीमन, मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले परिसीमन तो होगा कि भाई अगर किसी क्षेत्र को किसमें मिलना है, किसको नहीं मिलना है, पहले परिसीमन होगा तभी तो जिला बनेगा, बिना परिसीमन के जी कैसे जिला बनेगा आप बताइए। अब झूलाघाट वाले डिनाट आएंगे नहीं, और तो कैसे, इसका पहले तो इसका परिसीमन करना होगा। वो उस वक्त खाली कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया। ये तो 26 में है ना सर, परिसमन तो 26 में होना है, पूरे राज्य का, पूरे पूरे देश का। नहीं, परिसीमन 26 में है तो फिर जिले भी तो 26 ही की बात आएगी, फिर सभी तो 26 के बाद ही जिला बनेगा ना। अब तो 26 से रावत पहले तो जी, मुझे लगता नहीं जिला बनेगा, अगर परिसीमन नहीं होगा तो जिला कैसे बनेगा आप बताओ। तो रावत जी क्या क्या घुट्टी एक पिला के चले गए फिर ऐसे ही लोगों को, वहां जनता को? अरे घुटनी पिला दी जनता को, एक बार बताओ, उन्होंने कहा भाई ये कांग्रेस वाले उनका, फिर पहले तो उन्होंने कहा ये सर्वसम्मति, वो सर्वदलीय सर्वदलीय है, लास्ट में इधर धोखा धड़ी जुपाल जी से भी हो गई, हम तो गए ही नहीं,
हमने तो कहा भाई देखो अगर कोई आंदोलन करना है तो निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मुझे ये फायदा होगा मुझे ये नुकसान होगा, वो जिले का ही वो होना चाहिए। जब 30,000 लोग चूफा जी एक बार ले आए, इन्होंने मैंने जिला बना दिया करके, उसके बाद वो जिला बना नहीं, तो इससे बड़ी झूठ बोल करके वो आदमी 6 बार लगातार जीत रहा हो तो जिले का कहां प्रभाव है बताओ। इस बार थोड़ा बहुत उन्होंने कहा, कांग्रेस वालों ने कुछ चाल चली, कुछ लोग आ गए झांसे में, और जो जिले का उस आंदोलन को वो कर रहे थे वो रोज आजकल भी जिला जिला चिल्लाते हैं, और उन्होंने कहा भाई कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस जिला बनाएगी। मैंने कहा जब कांग्रेस थी तब क्यों नहीं कांग्रेस ने जिला बनाया, भाजपा ने घोषणा करी, अब पता नहीं क्यों नहीं बना, अभी तो विधायक जी बता पाएंगे, अब विधायक जी ने मना किया या क्या हुआ, या अब विधायक जी कर्णाली सेना में आके कहेंगे कि यार नहीं नहीं डिहान जिला में आप लोग क्यों को क्यों शामिल करूंगा, देवलथल में जाएंगे तो क्यों शामिल करूंगा, झूलाघाट वालों से कहेंगे तुम्हारे लिए दूर होगा, तो और डिहान वालों से कहेंगे जिला बनाऊंगा, तो ऐसे जिला बनेगा वो तो एक विधानसभा जहां जाएगी पूरी उस जिले में जाएगी और पूरा ब्लॉक जाएगा, पूरी तहसील जाएगी, अलग अलग विभाजित होकर थोड़ी होगा, तो इसलिए पहले परिसमन उसका होगा, परिसमन के बाद जिले की बात। तो जिला मांग जो उठी थी वो मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात आपको लगती थी? हाँ वो तो जग जाहिर हो गया चुनाव में कि ये कांग्रेस के लोग थे जो इस जिले का आंदोलन चला रहे थे, और कौन था उसमें बताइए ना, भाजपा वाले थे नहीं, हम लोग थे नहीं। अब भाजपा वाले शुरू में थे, शुरू में थोड़ा बहुत हम लोग भी थे, जब लोगों को सबको लगा गया तो कांग्रेस का आंदोलन है सब छोड़ गए, कांग्रेस ने बनाना नहीं था, वो तो खाली अपना एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए। उसके बाद भी प्रत्याशी उनका आज तक तो 2 बार से तो मैं देख रहा हूँ कि वो तीसरे नंबर पर जा रही है कांग्रेस, पहले तो दूसरे नंबर पर रहती थी अभी तीसरे नंबर पर जाती है, लेकिन जिले के नाम पर उस नगर के अंदर उन्होंने जरूर फायदा अपने को अपना लिया कि हम जिला बनाए, बस इतना ही रहा। तो भंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे साथ, आपने बातचीत की, डीडीहाट के सारे समीकरण बताए। अगर पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं तो शायद डीडीहाट की दिशा और दशा दोनों सुधरने के चांसेस आपको लगते हैं। जी मैं K24 न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपकी तरफ से ये निवेदन भी करता हूँ कि हमारी आवाज और पूरे डीडीहाट की जनता की आवाज पुष्कर धामी जी तक पहुंचा दी जाए कि आपकी मांग आपकी जरूरत डीडीहाट विधानसभा वालों को है, और सारा पावर जो है अधिकार है वो चौपाल जी को दे दिया जाए, दिल्ली का भी, देहरादून का भी और डीडीहाट का भी। जी हमारा प्रयास रहता है भंडारी जी, हमेशा यही प्रयास रहता है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। देखिए मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।